चमार रेजिमेंट को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में क्या बोला, पहले दोस्तों यह सुनते हैं। भारत की सबसे प्राचीन व बहादुर रेजिमेंट में से एक चमार रेजिमेंट को पुनः बहाल करा जाए, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर ने संसद में चमार रेजिमेंट के पुनः उत्थान के लिए फिर से आवाज उठाई है। बात अगर चमार रेजिमेंट की जाए तो चमार रेजिमेंट वर्ष 1943 में ब्रिटिश भारत के अंतर्गत बनाई गई थी। चमार रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए अंग्रेजों द्वारा गठित इकाइयों में से एक पैदल चलने वाली रेजिमेंट थी। इसका गठन चमार जाति के आधार पर किया गया था। रेजिमेंट ने बर्मा में जापानियों के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में व्यापक विमुद्रीकरण के हिस्से के रूप में इकाई को भंग कर दिया गया था। चमार रेजिमेंट के पुनः अस्तित्व में आने के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को एक पत्र लिखकर भारतीय सेना में चमार रेजिमेंट को पुनः नियुक्त करने के लिए मांग की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि यह अजीब है कि जाति धर्म के आधार पर गठित अन्य सभी रेजिमेंट जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोंगरा रेजिमेंट आदि अभी भी मौजूद है, जबकि चमार रेजिमेंट को भंग कर दिया गया है। यह मांग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के समक्ष पत्र के माध्यम से रखी गई थी। दोस्तों, चमार रेजिमेंट की यह जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताया। कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तथा वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। माननीय सभापति जी, पिछले सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर जितना कर्ज लिया है उससे दुगना कर्ज हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। किसान अगर अपना कर्ज माफ कराने के लिए जाता है तो लाठी झेलनी पड़ती है, जबकि सरकार ने धन्ना सेठों